हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, इस 3D प्लान के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारे पास जो 3D प्लान है, इसका ये जो फ्रंट है ये हमारे पास है 25 फिट। अंदर प्लॉट की जो गहराई है ये हमारे पास 40 फिट की गहराई है। तो फ्रंट जो इसका फ्रंट है, इधर साइड में ही इसका मेन रोड है और इसकी जो तीन अदर डायरेक्शन हैं, तीनों ही अदर डायरेक्शन से पूरी तरीके से क्लोज है। तो ये फ्रेंड्स, हमारे पास 25 फिट बाई 40 फिट का प्लॉट है। तो आज हम आपसे इसी 3D प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। 3D प्लान के साथ में हम आपको बताएंगे इसका मैप के बारे में, ये हमारे पास मैप रहेगा। तो ये फ्रेंड्स, हमारे पास जो 3D प्लान है इसमें हमारे घर की जो मेन एंट्री है वो हमारे पास यहाँ से, ये मेन एंट्री है, ये हमारे पास 10 फिट वाइड की मेन एंट्री है। एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर मिलेगी पार्किंग, ये हमारे पास कार की पार्किंग रहेगी। कार की पार्किंग फ्रेंड्स हमारे स्टेकेस के जस्ट नीचे होगी। ये हमारे पास स्टेकेस का डिज़ाइन होगा, जो कि हमारे पास ये एंट्री में ही स्टेकेस होगा और स्टेकेस के नीचे हमारे यहाँ कार की पार्किंग रहेगी। और ये फ्रेंड्स हमारी जो पार्किंग है, इसमें यदि आप स्कूटर बाइक वगैरह भी पार्क कराना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर पार्क करा सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा जो डोर है, इस डोर से जाएंगे हम अपने इस बेडरूम में। ये हमारे पास एक बेडरूम होगा, जो कि हमारे पास ये फ्रंट में बेडरूम होगा। बेडरूम में आप देखेंगे जो हमारी फ्लोरिंग है उसमें हमने स्टोन का यूज किया हुआ है। इसमें हमें यहाँ पर एक विंडो मिल रही है, इसी विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहा है। काफ़ी अच्छा हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा टीवी कैबिनेट का डिजाइन, ये जो हमारी वॉल होगी इस वॉल पे हमारे पास वॉलपेपर रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारे पास एक कवर्ड का डिजाइन। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम है। और यदि फ्रेंड्स आप इस वाले बेडरूम के लिए, ये जो हमारा बेडरूम है, इस वाले बेडरूम के लिए यदि आप एक ड्राइंग रूम बनाना चाहें, मीन्स कि गेस्ट रूम बनाना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारे घर का एंट्रेंस डोर होगा, यहाँ से हम अपने घर के अंदर आएंगे। इस डोर से आगे बढ़ने पर हम जाएंगे अपने इस हॉल में, ये हमें एक हॉल मिलेगा। और इस हॉल के लिए फ्रेंड्स हम यूज करेंगे अपना डाइनिंग और लिविंग दोनों के पर्पज़ से, मीन्स कि यदि हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो अपने गेस्ट वगैरह के लिए हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर ये एल शेप में एक सोफ़ा का डिज़ाइन मिलेगा। ये हमारे पास टीवी कैबिनेट होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक मंदिर का डिज़ाइन होगा। ये हमारे पास मंदिर होगा, जो कि काफ़ी अच्छा हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो हमारी वॉल है, इस वॉल पे हमने वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। यहाँ पर रहेगा हमारे पास 6 सीटर डाइनिंग टेबल, जिस पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना वगैरह खा सकते हैं। ये जो फ्रेंड हमारा लिविंग एरिया है, इसमें हमें यहाँ पर एक विंडो मिल रहा है, तो इसी विंडो से हमारे अपने इस लिविंग एरिया का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास किचन का डिजाइन होगा, ये हमारे पास किचन है, काफ़ी अच्छा ये भी हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। सी शेप का हमारे पास प्लेटफॉर्म है और इसमें आप देखेंगे इसमें हमारे पास ये कैबिनेट का भी इसमें हमारा डिज़ाइन रहेगा। इसमें हमारे पास 7 फिट की हाइट तक इसमें टाइल का यूज किया हुआ है। बाकी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में हमने इसमें स्टोन का ही यूज किया हुआ है। और फ्रेंड्स हमारे पास ये जो किचन है, हमारा जो किचन का वेंटिलेशन होगा वो हमारा एक मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हमारा इसका वेंटिलेशन हो सकता है। मींस कि यदि आप अपने इस किचन में एक पाइप डाल सकते हैं, जो हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है वो इस वाली वॉल को टच करते हुए इधर बाहर की तरफ निकल जाएगा। जो हमारी ये वॉल है और जो सीलिंग होगी, हमारी छत होगी, उससे लगा हुआ हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये बाहर इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। या फिर आप यहाँ पर एक छोटा सा डक्ट बनाना चाहें, अपने इस किचन के अंदर ही एक छोटा सा डक्ट बनाना चाहें, तो उससे भी हमारे इस किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये हमारे पास रहेगा अपना किचन का डिजाइन। ये फ्रेंड्स हमारे पास बैक साइड में दो बेडरूम होंगे। ये हमारे पास जो बेडरूम आप देखेंगे बहुत ही अच्छा, ये भी हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें भी हमारे पास जो फ्लोरिंग है उसमें हमने स्टोन का यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा वॉलपेपर का डिजाइन। बाकी जो बेडरूम का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा हमारे पास बेडरूम है। ये हमारे पास एक विंडो रहेगा, तो इसी विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास सेकेंड बेडरूम है। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है, इसे फैमिली का कोई भी मेम्बर यूज कर सकता है या फिर हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। ये फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड बेडरूम है, जो कि हमारे पास एक 3 BHK का डिजाइन है। तो इसमें भी आप देखेंगे जो फ्लोरिंग है उसमें हमने स्टोन का यूज किया हुआ है। ये हमारे पास जो वॉल होगी, इस वॉल पर हमारे पास कुछ पेंटिंग्स का डिजाइन रहेगा। यहाँ पर हमारे पास एक विंडो रहेगा, तो इसी विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास इसी रूम में कवर्ड का भी डिजाइन रहेगा। ये हमारे पास इसमें कवर्ड का इसमें डिजाइन रहेगा। तो ये हमारे पास 3D प्लान है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 बेडरूम का हमारा डिजाइन है, विद कार पार्किंग हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा हमारा डिजाइन है। तो अब हम चलते हैं इसके मैप की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है, जो कि आप देखेंगे हमारे पास ये 25 फिट बाई 40 फिट का मैप है। फ्रंट साइड में इसका ये रोड है और इसमें आप देखेंगे हमारे घर की जो मेन एंट्री है वो हमारे पास यहाँ से ये मेन एंट्री है। एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें कार की पार्किंग मिल रही है, जो कि हमारे पास ये 9 फिट 3 इंच बाई 15 फिट की हमारे पास ये कार की पार्किंग रहेगी। ये हमारे पास गार्डन का डिजाइन है, जो कि 10 फिट बाई 5 फिट 9 इंच का हमारे पास ये गार्डन है। ये हमारे पास बेडरूम का डिजाइन है, जो कि 14 फिट 6 इंच बाई 13 फिट 8 इंच का हमारे पास ये बेडरूम का डिजाइन रहेगा। ये हमारे पास लिविंग हॉल होगा, जो कि 19 फिट बाई 10 फिट का हमारे पास लिविंग और डाइनिंग हॉल है। ये हमारे पास किचन का डिजाइन है, जो कि 5 फिट बाई 10 फिट का हमारे पास एक किचन रहेगा। ये हमारे पास बेडरूम रहेगा, जो कि 9 फिट 3 इंच बाई 10 फिट 6 इंच का हमारा बेडरूम है। और ये भी हमारे पास एक बेडरूम रहेगा, जो कि 9 फिट 3 इंच बाई 10 फिट 6 इंच का हमारे पास ये
बेडरूम है, ये हमारे पास कॉमन टॉयलेट है जो कि 5 फीट बाई 6 फीट 6 इंच का हमारे कॉमन टॉयलेट है, और टॉयलेट के बैक साइड में हमें डक्ट मिलेगी जो कि हमारे पास ये 5 फीट बाई 4 फीट की हमारे पास ये डक्ट रहेगी। तो ये हमारे पास मैप है जो कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी मैप में फ्रेंड्स एक कंप्लीट मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू हमारा जो मिस्त्री होता है वो साइट पर आराम से वर्क कर सकता है। तो ये हमारे पास 3D प्लान है जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, 3 बेडरूम विद कार पार्किंग के साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।